पाकिस्तान में जो है वो शंघाई तावुन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होना है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम को भी ऑब्वियसली दावत दिया है। लेकिन उस जो इनविटेशन का जवाब जो हमें मिला वो ये है कि ना मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जय शंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन मोदी जी आपको आना चाहिए था सीओ की मीटिंग में, आपने ना आकर बहुत गलत किया। लेकिन इसके जवाब में मोदी जी ने मुझे रिप्लाई भेजा है। लोग रोना बंद कर दिए, मेरे तक आवाज आ रही है, आप लोग रोना बंद कर दिए। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट हैं इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे जारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है नरेंद्र मोदी की तरफ से है। इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज, इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन, तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील किया था। हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है, बुलाना नहीं चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासत अब इस किस्म की होगी जो हो रही है। दिलचस्प बात एक और मैं आपको बताती हूँ कि इसका तजिया सही जो है वो चाइना ने किया है। कैन यू इमेजिन कि इस सिचुएशन को चीन एनालाइज कर रहा है। देखिए एससीओ असल में तो है चाइना की ना, चाइना ने जो कहा है, आपके पड़ोस जो है वो नए बुलंदियों को छू रहा है, देखें कि मैथ और इंग्लिश से वो कहां पहुंच रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक के बाद एक ऐसी खबरें निकल के आ रही है जिसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को झटके पे झटके लग रहे हैं, जिसके अंदर चाहे वो पाकिस्तान के खुद के अंदर ही सियासी तूफान उठ खड़ा हो, जिसमें कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने हो, तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे भी रो रही है क्योंकि एससीओ की मीटिंग यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मीटिंग पाकिस्तान के अंदर होनी है और पाकिस्तान ने इंडिया को इन्विटेशन भेजा था, लेकिन अब इंडिया की तरफ से यह कन्फर्मेशन हो चुकी है कि पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए भारत से कोई नहीं जाएगा, बल्कि जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया से ही ऑनलाइन पाकिस्तान एससीओ को अटेंड करेंगे। जिस पर तो कई पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रही हैं कि यह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए झटका है बल्कि यह पाकिस्तान के लिए भारी बेइज्जती वाली बात है और पाकिस्तान को इन्विटेशन देना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को तो इन्विटेशन देना ही देना था क्योंकि भारत एससीओ के मेंबर है और भारत ने यह तोड़ निकाला पाकिस्तान न जाने का कि वह ऑनलाइन अटेंड करेगा एससीओ मीटिंग को। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जलजला आया है। पाकिस्तान में अभी अभी की खबर है, मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में जलजला आया है, जलजले के झटके आए हैं। लेकिन ये जलजले के झटके उस वक्त भी चंद घंटे पहले महसूस किए गए होंगे जब कल ये पता चला कि भारत की तरफ से ना हो गई है, कि इंडिया ने जब ये कह दिया कि ट्रेड मिनिस्टर नहीं जा रहा पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए, उसके बाद भी पाकिस्तान में एक जलजला ही आया होगा। पाकिस्तान ने तो बड़े जज्बे के साथ, वो जज्बा जो एक है आपको पता ही है, इन्विटेशन भेजा, जनाब सरकार आइए, हम दीदा ओ दिल फर्श राह किए हुए हैं, कुछ इसी तरह की उर्दू बोली जाती है मेहमान के लिए। तो उन्होंने कहा भाई असी नहीं आ रहे। तो अभी तो पाकिस्तान ने ये पूछा भी नहीं था कि फिर असी ना ही समझिए, तो भारत ने पहले ही कह दिया तुसी ना ही समझो, साडे वालों ना ही है, तो भारत की तरफ से ना हो गई है। तो हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने जवाब दे दिया है, इंडिया ने टोटली इनकार कर दिया है, ट्रेड मिनिस्टर इंडिया का नहीं जा रहा पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए। ये खबर कल से चल रही है, नहीं भेज रहे वो पाकिस्तान, और जो उनके ट्रेड मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, यानी कि ऑनलाइन जो है वो आएंगे, जब तक उनका दिल करेगा जो कहना चाहेंगे, सिर्फ अपनी यानी स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि भारत का ये तो एक है कि जो डिप्लोमेटिक नीड्स होती हैं किसी चीज की वो भारत पूरा करता है। ये एक तरीके से इंडिया का बॉयकॉट है उस मोमेंट का जो कहा जा रहा था कि बातचीत होगी, ये बॉयकॉट है इंडिया पाकिस्तान के बीच टॉक्स हो इस बात का। एक तरीके से भारत ने बॉयकॉट किया कि तुम लोग जो ये सोच रहे हो कि हम ट्रेड करेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ टॉक्स करेंगे, तो नो। दिलचस्प बात एक और मैं आपको बताती हूं कि इसका तजिया सही जो है वो चाइना ने किया है। कैन यू इमेजिन कि इस सिचुएशन को चीन एनालाइज कर रहा है।
देखिए एससीओ असल में तो है चाइना की ना, जितने भी कंट्रीज हैं आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस है ना ये, चाइना ने जो कहा है जो कि मॉर्निंग चाइना न्यूज है, पता ही ना आपको साउथ चाइना मॉर्निंग न्यूज जो जिसमें सारी खबरें इस तरह की जो आती हैं, उन्होंने कहा कि जो मोदीज एससीओ समिट एब्सेंस है दैट डिम्स होप्स फॉर इंडिया पाकिस्तान थॉ, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टॉक्स मोदी की एब्सेंस फॉर एससीओ वो इसको वाइप आउट कर देती है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई बर्फ पिघले। अब उसमें चाइना ये लिखता है कि जैसे कि पाकिस्तान ने इनविटेशन एक्सटेंड की और उन्होंने कहा कि जनाब आप आइए, तो जो इंडिया की तरफ से जवाब है वो तो सजेस्टिंग ए पोटेंशियल बॉयकॉट, ये जो बॉयकॉट है ये चाइना लिख रहा है। अब चाइना ऐसा क्यों लिख रहा है, चीन ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि एससीओ में भारत नहीं आ रहा तो ये चीन और भारत के बीच पोटेंशियल बॉयकॉट है, वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि एससीओ में इंडिया नहीं जा रहा तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच बॉयकॉट है। वो इसलिए कह रहा है कि उसे पता है कि जब चीन इंडिया को बुलाएगा ये कॉन्फ्रेंस होगी तो इंडिया उसमें जाएगा, और वो बुलाएंगे तो वो चले जाएंगे, वो बुलाएंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन उसको ये पता है कि पाकिस्तान ने बुलाया है तो पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएंगे। दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में, और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट हैं इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है नरेंद्र मोदी की तरफ से है। तब मैंने आपको पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद एससीओ के इजलास में वहां नहीं जाता, जयशंकर को भेजता है, वो पाकिस्तान में इजलास कैसे अटेंड करेगा? जबकि सिर्फ एससीओ को रेलिवेंट रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इन पर्सन गोवा में कर लेता है। आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए? आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा। देखें इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस से जो लड़ दे रहे हैं ना, लड़न दो, हम हमारी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बलोचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका पोलिटिकल अपरेटस के अंदर एक इस वक्त बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है,